नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लोबेलिया इन्फ्लाटा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोबेलिया इन्फ्लाटा ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसे आम भाषा में इंडियन टबैको भी बोलते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, ये भारतीय तम्बाकू नहीं है और आपको मैं कोई तम्बाकू से बनी हुई मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, एक्चुअली में लोबेलिया का प्लांट नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और आपने सुना होगा कि अमेरिका में पहले ट्राइब्स हुआ करते थे, वहाँ के आदिवासी थे इंडियंस अमेरिकन, और वो इस प्लांट को खाया करते थे एज अ मेडिसिनल प्लांट। तो जो लोग देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये इंडियंस का तम्बाकू है, टबैको है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं और वो हमारे शरीर पर क्या करती हैं, इसका एक्शन जानते हैं। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण के बारे में बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी में यूज़ करनी चाहिए और किस पोटेंसी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन, कि ये हमारे शरीर पर करती क्या है। तो लोबेलिया इन्फ्लाटा ये प्राचीनतम औषधि में से एक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे हार्ट के लिए। दोस्तों, ये करती क्या है, ये हमारे ब्रेन में असर करती है और ब्रेन में ऐसे सेंटर्स होते हैं जो रिस्पायरेशन को, हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे डाइजेशन को और हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो उन सेंटर्स में जाके ये असर करती है और उसे स्टिमुलेट, मतलब वहाँ पर क्रिया को बढ़ाती है, जिसके कारण जो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है या हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या हमें हार्ट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, एक नर्व होती है वेगस नर्व, जिसे पुराने ज़माने में न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते थे। ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट को भी कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, इस नर्व को भी स्टिमुलेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा ये हाइपर एक्टिव है तो रिलैक्स भी करता है लोबेलिया इन्फ्लाटा। दोस्तों, ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण में सबसे पहले चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो अगर आप मोटे हैं, गोरे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसके कारण आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण आपको रिस्पायरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अल्कोहल पीने के कारण आपको जॉइंडिस हो जाता है और साथ ही साथ आपको उल्टियाँ बहुत आती हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं हेड की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आपको सर दर्द की समस्या है और सर दर्द की समस्या आपके पेट के कारण है, मतलब आपको गैस बन रही है, उल्टी जैसी आ रही है या मितली की समस्या है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लिए हैं जिसके कारण सर दर्द हो रहा है और सर दर्द तम्बाकू के कारण आपको हो रहा हो, तब भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सर का दर्द आपको दोपहर से लेकर मिड नाइट तक हो और डल हैवी पेन हो, ऐसा लगे जैसे भारीपन हमेशा बना रहे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं कान की तरफ। तो अगर आपको सुनाई ना दे रहा हो, और क्यों ना दे रहा हो, क्योंकि आपको बहुत दिनों से क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान बह रहा हो और कान का पर्दा फट गया हो, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे डिफनेस की समस्या, मतलब आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कान में एक्जिमा हो जाता है और उसके कारण सुनाई नहीं देता, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। चलते हैं मुँह की तरफ। तो बहुत ज़्यादा मुँह में सलाइवा बने, मतलब थूक बने और एसिडिक टेस्ट आपको मुंह में महसूस, और साथ ही साथ पेट की खराबी के कारण ये प्रॉब्लम हो और आपकी जीभ पूरी वाइट कोटेड हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लाटा। तो अब चलते हैं पेट की तरफ। तो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा अगर आपको एसिडिटी बनती है, और एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, एसिडिटी के कारण अगर हार्ट बर्न हो, सीना जले और बहुत ज़्यादा आपके मुंह में सलाइवेशन हो, मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा लार आए, और आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या हो, मतलब आपको बहुत उल्टियाँ आ रही हो और बहुत ज़्यादा मितली लग रहा हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो, खासकर अगर आप फीमेल हैं और प्रेग्नेंट हैं और फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो लोबेलिया इन्फ्लाटा आपके लिए
बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको खालीपन महसूस हो और वीकनेस महसूस हो तो लोबेलिया इन्फ्लाटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। तम्बाकू या सिगरेट की स्मेल आपको बिल्कुल भी बियर ना हो रही हो, मतलब बर्दाश्त ना हो रही हो, और आप तुरंत उस शख्स को आप मना करते हैं कि तम्बाकू मत खाओ, उल्टी जैसी लग रही हो आपको तम्बाकू के सुगंध के कारण, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब चलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब श्वसन तंत्र के सिम्टम्स की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको चेस्ट में भारीपन महसूस हो और ऐसा लगे जैसे दबा दिया गया हो चेस्ट, और पूरा भरा भरा सा महसूस हो, साथ में सांस लेने में तकलीफ भी, और ऐसी फीलिंग के बाद आप तेज चलें और तेज चलने का आपका मन करे, और जब आप तेज चलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है या कम हो जाती है। दोस्तों, जब कभी अस्थमा का अटैक आता है किसी पेशेंट को, अगर उसे ऐसा महसूस हो जो मैंने पहले बताया, और साथ में ऐसा महसूस हो कि हार्ट जो है वो बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है, अगर अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो तो लोबेलिया इन्फ्लाटा ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, ये थे साइन एंड सिम्टम्स लोबेलिया इन्फ्लाटा के। अब चलते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारी में यूज़ करना चाहिए और किस पोटेंसी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दी जाती है ये मेडिसिन जिस बीमारी के लिए, उस बीमारी का नाम है अस्थमा। तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या आपको ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकेक्टिसिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, तो ब्रोंकेक्टिसिस की प्रॉब्लम है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है आपको, और बाकी जो लक्षण बताए हैं वो सब मिल रहे हैं, तो लोबेलिया इन्फ्लाटा आप मदर टिंचर में लीजिए, या लो ट्राइचुरेशन पोटेंसी जैसे लोबेलिया इन्फ्लाटा आप 3x ट्राइचुरेशन डाइल्यूशन में भी ले सकते हैं। तो अगर आप मदर टिंचर में इसका उपयोग करते हैं तो आधे कप पानी में लगभग 20 से 25 ml पानी में आप 20 से 25 बूंद डालिए, और इसे आप दिन में दो बार सुबह शाम पीछे लगातार यूज़ करेंगे तो अस्थमा की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। खासकर अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ है तो आप 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के इसको हर दो दो घंटे में यूज़ करेंगे, 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अस्थमा के पेशेंट को लोबेलिया इन्फ्लाटा के साथ साथ आपको ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर, ग्रैंडियोला मदर टिंचर और पोथोस मदर टिंचर देना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये अस्थमा के लिए। इस पे मेरा वीडियो है अस्थमा पार्ट 2 पे, तो मेरा वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, और सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उस वीडियो की मेडिसिन के साथ लोबेलिया इन्फ्लाटा मदर टिंचर का भी आप उपयोग करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, आप तम्बाकू बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ और गले में कफ कफ जैसा बना रह रहा है, तो लोबेलिया इन्फ्लाटा आप मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में 3 बार यूज़ करिए। ये मेडिसिन लगातार 1 से 2 महीने तक यूज़ करेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अब चलते हैं पेट की तरफ। तो सबसे पहले मैं प्रेगनेंसी में अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा आती है और मितली जैसी लगती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले दूसरे तीसरे महीने में मॉर्निंग सिकनेस की भी प्रॉब्लम है आपको, तो लोबेलिया इन्फ्लाटा आप लोअर पोटेंसी में, मतलब 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद लीजिए एक बार, फिर 2 बूंद लीजिए आधे घंटे बाद, फिर 2 बूंद लीजिए आधे घंटे बाद, इससे उल्टी तुरंत बंद हो जाएगी और जो नौजिया की फीलिंग आ रही है वो बंद हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो लोबेलिया इन्फ्लाटा 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को यूज़ करिए। 10 से 12 दिन तक आप यूज़ करेंगे तो मॉर्निंग सिकनेस की, खासकर उल्टी और मितली की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर किसी को प्रेगनेंसी के अलावा उल्टी या मितली की समस्या होती है तब भी वो लोबेलिया इन्फ्लाटा 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 1-1 घंटे में यूज़ करें। अब चलते हैं गैस एसिडिटी की तरफ। तो अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है और आपको जलन हो रही है, हार्ट बर्न की समस्या है, तो इस पे मेरा वीडियो है, ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, ज़रूर देखिएगा। लेकिन लोबेलिया इन्फ्लाटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लोबेलिया इन्फ्लाटा गैस एसिडिटी के लिए 6 CH पोटेंसी में ज़्यादा बेटर रहती है, तो 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करिए। लगभग 10 से 15 दिन तक आप यूज़ करेंगे, आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आपको गैस्ट्रिक हेडेक की प्रॉब्लम है या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं जिसके कारण गैस बन रही है, हेडेक हो रहा है या जॉइंटिस भी है,
अल्कोहल पीने के कारण। तो लोबीलिया इन्फ्लाटा 6CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। 3 से 4 दिन तक यूज़ करेंगे तो हेडेक पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसे लगभग 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू करिएगा, इससे आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाए और आपको फिर ये प्रॉब्लम कभी ना हो। और साथ ही साथ अल्कोहल पीना भी बंद करिएगा और तम्बाकू खाना भी आप बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी लोबीलिया इन्फ्लाटा, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, बहुत ही प्राचीनतम मेडिसिन जो कि पेट के लिए और ख़ासकर अस्थमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ज़रूर इसे आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उल्टी की प्रॉब्लम है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।